मतलब आप सोचिए, हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, वॉरियर बताया जा रहा है, टर्मिनेटर बताया जा रहा है, टैक्स चोरी का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है, लेकिन हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है वॉरियर हैं ये लोग। आईटी डिपार्टमेंट, आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। कल भी हुई, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के यहां लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना के मुंबई पुणे सहित कल बताया जा रहा है 20 से 22 ठिकानों पर कल की छापेमारी शुरू हुई थी, आज भी हुई। इसमें पूछताछ भी की गई है 6 घंटे, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी बचाने आए हैं, वैसे वो खुद बेल पर हैं, उनके हाथ में भी बेल पत्र है, बेलधारी हैं वो भी, खुद जमानत पर हैं। और वो राहुल गांधी जिन पर टैक्स चोरी का आरोप है, उनको बचा रहे हैं मुहावरों के जरिए। वो केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आईटी ईडी को उंगलियों पर नचा रहा है केंद्र और किसान समर्थकों पर रेड करा रहा है। सवाल उनसे रहेगा, उन्होंने क्या उनके अकाउंट्स चेक किए हैं क्या जो वो उनको बचा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बॉलीवुड के कुछ लोगों पर रेड क्योंकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ बोला, व्यवस्था के खिलाफ बोला, बाकियों पर नहीं क्योंकि कुछ दिन बाकियों ने गुजारे गुजरात में। आप समझ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, याद ना, वो कह रहे हैं जिन्होंने गुजरात में दिन गुजारे हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा है। इशारों में वो किसकी बात कर रहे हैं जिन पर पहले ही हमले किए जाते रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, वो भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को हीरो, टर्मिनेटर, वॉरियर, टैक्स चोरी का आरोप है। भाई कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना, कानून तो अपना काम करेगा, हो सकता है कल को कुछ ना निकले, लेकिन जांच तो होगी ना, जांच से किस चीज का डर है ये देखिए आप। फिर प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया, एक बार उनका अगर हम प्रकाश जावड़ेकर की देखिए, आज मुहावरा और चल रहा था, राहुल गांधी ने एक मुहावरा पढ़ा, फिर प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों के जरिए जवाब दिया कि सौ छुए खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब मीडिया पर लेक्चर दिया जा रहा है, आपातकाल लगाने वाले, उंगली पर गिने जा सकता कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। मतलब मुहावरा वॉर चल रही थी। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ गजेंद्र सांखला साहब इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आपको बता दें शोएब चौधरी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं मुंबई से, और शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जी भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग करवा रहे हैं सब, आपके खिलाफ कोई बोलता है तो जांच शुरू हो जाती है, आप लोग करवा रहे हैं, उंगलियों पर नचा रहे हैं एजेंसीज को, ईडी, सीबीआई को। गौरव भाटिया। अमन जी, सबसे पहले तो कानून की जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने तहत कार्य करती हैं, और ये वीवीआईपी कल्चर और लोगों को बचाना कि आप हमें चेहरा दिखाओ, हम आपको कानून बताएंगे, ये कांग्रेस की सरकारों में बहुत हुआ है, और मैं उस पर आऊंगा अभी अभी बात में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हर नागरिक इस देश में बराबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये सब जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, निर्भीकता से अपना काम कर रही हैं। और मत भूलिएगा कभी भी कि पिंजरे का तोता सीबीआई को बनाया था कांग्रेस पार्टी ने और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, और इसीलिए सही कहा गया है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आज इनको ज्ञान प्राप्ति हो रही है, ये बता रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस पार्टी से, अगर आपको लगता है दुरुपयोग हुआ है, मान लीजिए आप एक आदेश बताइए, मैं आपको बताता हूं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर, नेशनल भ्रष्टाचार के मामले में बेल, डीके शिव कुमार उन पे भी रेड हुई थी, तब भी ये हो हल्ला मचा रहे थे कि राजनीतिक विद्वेष से हुई है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, ऑर्डर दिखाइए जिसमें वो जो रेड है वो निरस्त कर दी। इनका इतिहास, भूगोल ठीक है वो मैं बता दूंगा, कितने बेल पत्र लेकर घूम रहे हैं, बेल वृक्ष, वो हम दिखा चुके हैं जी न्यूज पर कई बार, खुद राहुल गांधी बेल पर हैं। खैर वो अलग विषय है, बस मेरा आपसे सवाल ये संयोग था है अचानक से, क्योंकि ये लोग सरप्राइज नहीं हुए, यकीन मानिए, मतलब ट्विटर पर भी, जगह जगह सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था, वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, लग रहा था ये होगा आज नहीं तो कल होगा, जिस तरह से अनुराग कश्यप या इन लोगों का जो रवैया था, लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था। आप समझ रहे हैं मेरा भाव? मैं भाव आपका समझ गया, और आपने बिल्कुल सही कहा,
वाकई भारत की जो जनता है, ईमानदार जनता, कर्तव्य परायण जनता, वो यही कहती है मोदी जी के नेतृत्व में ये होना ही है। जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो, चाहे डीके शिव कुमार हो। तो सही तो कह रही है जनता, ये होना ही था। नहीं, नो, इनका जो रवैया था उसको लेकर आप सवाल नहीं समझे ना, तभी तो मैं पूछा था, शायद आप भाव समझे नहीं। इनका जो रवैया था सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार को लेकर, अमित शाह को लेकर, उस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। वेंडेटा, बदले की भावना, गौरव बदले की भावना, ये तो होना ही था। हाँ, ये गौरव, अनुराग कश्यप इनके पुराने ट्वीट निकालिएगा, क्या गालियां देते हैं आपके चैनल पे, हम कह नहीं सकते। सालों से दे रहे, 6-7 साल से दे रहे, तो तब तो नहीं हुई कोई रेड। गलत करोगे तो रेड होगी। और दूसरी बात बताइए, नसीरुद्दीन शाह हैं जो कांपने लगते, भारत में हमें डर लगता है। ऐसे कई और नेता है। अच्छा, वो सबका नंबर आना है, अब आप ये इशारा कर रहे हैं क्या फिर? अब बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्होंने गाली दी या जिनों का व्यवहार सही नहीं था, उन सबका नंबर आएगा, आप ये बता रहे हैं मेरे को, यानी कि वो सही कह रहे हैं? अमन जी, आपको बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आलोचना करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप आलोचना करें, उसके साथ टैक्स इवेजन करें, देश के खिलाफ साजिश करें, कानून तोड़े, और आप ये कह दें कि आलोचना करी थी इसलिए ये चादर मुझे बिल्कुल सुरक्षित रखेगी, तो ऐसा है नहीं। से कोई लेना देना नहीं है, टैक्स चोरी का आरोप है, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, ये थोड़ी ना है जो मोदी विरोध में उनको कर चोरी की छूट दे दी जाएगी, ये नहीं है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहूंगा, गजेंद्र सांखला साहब है। सांखला साहब, आपको क्यों लगता है ये वेंडेटा है? राहुल गांधी को क्यों लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? क्यों लगता है आपको? आपने अकाउंट्स चेक किए हैं क्या? अनुराग कश्यप के अकाउंट्स अगर चेक करे हो आपने, क्योंकि मैंने नहीं किया, मुझे लग रहा है जांच हो जाए, हो सकता है जांच में क्लीन चिट मिल जाए। आपने अकाउंट्स चेक करे हैं क्या? अमन जी, अकाउंट किसने चेक किए और किसने नहीं किए वो तो जांच के विषय है, जांच में पता लग जाएगा। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरह का रवैया अपनाए हुए है, जिस तरह का फासिज्म का रुख है कि हमारे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हमारे विरुद्ध अगर कोई बोलेगा, उसको पहले पैसे का प्रलोभन देंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेगा तो ईडी का, इनकम टैक्स का भ्रष्टाचार के आरोप लगा के छापे मरवाएंगे, वो नहीं मानेगा तो उसके बाद उसके ऊपर अटैक करवाएंगे, उसके साथ मारपीट करवाएंगे, उसके साथ कोई ना कोई घटना देंगे। ये लगातार देश के अंदर हो रही है। शिवकुमार की बात की, कर्नाटक की सरकार जिस समय गिरानी थी और वो बचाने के सहयोगी थे इसलिए उनके ऊपर छापे। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के अंदर जिस तरह से लोग पीछे लग गए, अशोक गहलोत साहब के खास समर्थक रहे, हमारे अरोड़ा साहब के घर पे छापा, उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ के घर छापा। क्यों छापा पड़ा? क्योंकि वो सरकार को बचाने के अंदर मुख्य भूमिका निभा रहे थे। आज सरकार को हाशिए पर लेकर के जो सवाल खड़ा कर रहा है उसके ऊपर लगातार छापे पड़ते जा रहे हैं। अगर आप ये देखिए, इस तरह का जो रवैया है, ये देश गलत दिशा की तरफ जा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो, एक तथ्य रख दूं आपके सामने। जी, आपकी इजाजत से। आपने कहा क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां आईटी रेड हुई तो ये लोग बदले की भावना से कर रहे हैं, तो कैटरीना कैफ के घर पर 2011 में छापेमारी आप लोगों ने बदले की भावना से करवाई थी, 2012 में संजय दत्त के घर पर आईटी विभाग की रेड आप लोगों ने कराई थी 20 घंटे से ज्यादा, संजय दत्त, सोनू सूद, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, देखिए और बताऊ नाम, और 10 है मेरे पास, बहुत लंबी लिस्ट है। प्रियंका चोपड़ा 2011 में आयकर विभाग ने उनके घर छापेमारी की, आज ये लोग तो इनके घर पर आप लोगों ने बदले की भावना से छापेमारी करवाई थी। इन लोगों ने आने के बाद में जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 12 बजे इंडोले डिंडोले करके इन लोगों ने हटाया, ये पूरा देश देख रहा है। देश के 70 साल में पहली बार हमारे देश के चार चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इस देश के अंदर जुडिशरी को बहुत खतरा है और जुडिशरी निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर पा रही। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2011 में कैटरीना कैफ के घर आईटी विभाग का छापा पड़ा, संजय दत्त के घर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा, सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, रानी मुखर्जी के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, माधुरी दीक्षित के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, राजस्थान आपके टाइम में इतने छापे पड़े, आप लोगों ने क्या, इन्हीं बातों को लोगों ने क्या टारगेट किया जा रहा है? उंगलियों पर नचाया था इनको, गलत परंपराओं की ओर बू कर रहा है। अगर इस तरह की परंपराएं चलेगी तो आज देखिए
देश में जो शासन करने वाले लोग हैं, जीवन में कभी किसी का शासन स्थायी नहीं रहा। जब शासन स्थायी नहीं रहा तो आप समझिए इस तरह की परंपराएं डाल करके देश की शासन व्यवस्थाओं को गलत दिशा में लोकतंत्र को ले जाने के लिए ऐसे लोग आज सत्तासीन हो चुके हैं, जिन लोगों ने संघर्ष से नहीं आए, जिन लोगों में भावनात्मक रिश्ता नहीं है, जो लोग केवल पदों पर आए हैं, ये लोग इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। रुकिए 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 सांकला साहब, रुकिए, समझिए मेरी बात। आज अनुराग कश्यप के घर या उनकी प्रॉपर्टीज, तापसी पन्नू की प्रॉपर्टीज पर अगर आईटी विभाग की छापेमारी हो, आप कह रहे हैं कि आईटी विभाग और सीबीआई और ईडी को उंगलियों पर नचा रही है सरकार। मैंने आपका आरोप, आपने आरोप लगा दिया, तो आप भी क्या उंगलियों पर नचा रहे थे जब आप कांग्रेस की सरकार में संजय दत्त लोगों को सुनते नहीं है, फिर आप सुनते नहीं है, फंस जाते हैं, सुनते नहीं है, खड़ा करने की कोशिश की है। आप भी जब संजय दत्त, सोनू सूद, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी सबके घर पर छापे मरवा रहे थे, तो आप भी क्या बदले की भावना से करवा रहे थे? उनका कोई कांग्रेस से विरोध नहीं था, उनका किसी से कोई विरोध नहीं था कि हमने कोई इस तरह के छापे डलवाए। ये छापेमारी जो हो रही थी, ये विरोध की वजह से नहीं हो रही थी। लोकतंत्र आज 70 साल से बचा नहीं रहता। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पूरी जवाबदेही और पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। आज वो लोग आए हैं जिन लोगों की पृष्ठभूमि अंग्रेजों से मिले हुए रहे हैं, जिन लोगों ने देश के संविधान को नहीं माना, जिन लोगों ने 40 साल तक देश का तिरंगा झंडा नहीं फैलाया, वो लोग आज आकर के सत्ता के अंदर लोगों के साथ जहरीला व्यवहार कर रहे हैं। बस कर, रुक जाइए, किशोर तिवारी शिवसेना से हैं, इसलिए मेहमान बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनको जांच का बहुत शौक है। ये लोग देश प्रेम पर भी जांच बिठा देते हैं, ये लोग तो देश प्रेम की भी जांच कराते हैं, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आप तो कहते हैं हर चीज की जांच होनी चाहिए, आप सचिन लता जी के ट्वीट की भी जांच होनी चाहिए, अक्षय कुमार की देशभक्ति की भी जांच होनी चाहिए, तो टैक्स चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए तिवारी जी? नहीं, मैं साकला और गौरव भाटिया जी को एक बात बोलूंगा कि यूपीए हो या एनडीए हो, विरोधियों को चुप करने के लिए आप ईडी, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, अब हमारे जो शिवसेना के संजय राउत है, उनके पत्नी ने 55 लाख रुपया कर्जा लिया था, उस पर ईडी की इंक्वायरी बिठा दी। अब ये ईडी की इंक्वायरी ऐसी हो गई है कि बंबई में तो अगर ईडी की रेट बढ़ती है, मोदी के खिलाफ क्या बोला, मोदी के खिलाफ क्या बोला, तो थोड़ा सिग्नल नोटी वाले बाबा सिग्नल उड़ रहा है, थोड़ा सा सबको जोड़ गया, उड़ रहा है सर। मैं दोबारा आ जाता हूं, मैं एक एक कमेंट ले लेता हूं गौरव, उसके बाद डिबेट में आ जाऊंगा मैं एक एक कमेंट। जो दो और मेहमान हैं, शोएब चौधरी हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, और अरुण बख्शी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए आज। अरुण बख्शी भी हैं, इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, वो भी मेरे साथ हैं। लेकिन पहले शोएब चौधरी, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना चौधरी जी? शोएब चौधरी जी, जांच तो होनी चाहिए। देखिए आप बिल्कुल सही, बोलिए बोलिए शोएब जी, बोलिए ना, आवाज आ रही है, बोलिए आप। अच्छा देखिए, अगर इस मुद्दे पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसको बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है कांग्रेस, केंद्र की इन एजेंसियों को अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो सिखाया तो इन नौसिखिया आज के राजनीतिज्ञों को। कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी को क्या अधिकार बनता है कि जो पिछले 70 सालों में इनके पूर्वजों ने सिखाया इस देश के आगे वाली पॉलिटिकल पार्टीज को, वही आज की पॉलिटिकल पार्टीज एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो इनको कम से कम इस बारे में कोई उंगली उठाने का अधिकार बिल्कुल नहीं समझता मैं। जहां तक बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा है, फर्क इतना है कि पहले कांग्रेस के रूल में जिनके ऊपर ये सारी चीजें होती थी वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तरफ से किया जाता था। देखिए पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ इन एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के जमाने में इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं है, कि साथ साथ कोई एतराज उंगली नहीं उठा सकता है कि पिछले 7 सालों में सिर्फ सड़क चलते एक आम आदमी को भी डराने धमकाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। हर किसी को अधिकार है अपनी आवाज उठाए सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर उसको कोई चीज गलत लगती है। शोएब जी आपने कहा यह वेंडेटा है, बदले की भावना से कार्रवाई, आपसे भी वही सवाल है, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने अकाउंट्स चेक करे हैं, फैंटम फिल्म्स से जुड़े अकाउंट्स आपने चेक किए? हो सकता है आपने किए। मैंने अकाउंट्स नहीं चेक किए, लेकिन तो फिर आप कैसे बचा सकते हैं? एक बात बता देता हूं, आपको कैसे पता उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? मैं इस बात से एतराज,
भाई मुझे, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जो प्रो गवर्नमेंट वॉइसेस हैं उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी आप लोग क्यों नहीं करते, मतलब सरकार क्यों नहीं करती, सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ ये इंक्वायरी क्यों हो रही है? दूसरा, चलिए मान लेता हूं कि टैक्स की चोरी की गई, मैंने कहा मान लिया पिछले कांग्रेस की सरकार में, अभी आपने कहा कि कुछ दिन गुजारो गुजरात में करने वाले लोगों के ऊपर टैक्स की इंक्वायरी हुई, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? क्या कांग्रेस सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि उन वहां पर जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी तो उसमें क्या हासिल हुआ, क्या रिकवरी की गई? उसी तरह के रिपोर्ट अब भी दी जानी चाहिए। सुनिए ना शोएब जी, सुनिए ना, देखिए अभी क्या है मामला, बहुत ही शुरुआती स्टेज में समझना होगा। अभी आयकर विभाग के हाथ कुछ ना कुछ लगा होगा, वरना ऐसी छापेमारी नहीं होती। एक तो आप भी जानते हैं ये, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, अगर आयकर विभाग अनुराग कश्यप तापसी पन्नू इन लोगों के यहाँ रेड मार रहे हैं, छोटी सी बात पूरी होने दीजिए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मेरिट होगा, तथ्य होगा, हो सकता है जांच में कुछ ना निकले, लेकिन जांच से पहले ही क्लीन चिट दे देना ये कहते हुए कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, आप नहीं दे सकते क्या? आपने अकाउंट चेक करे? या आप बता दीजिए अमन जी उन्होंने इतना कमाया, इतना दिखाया, आप बता दीजिए मेरे को। देखिए पूरा गेम परसेप्शन का है, पूरा गेम परसेप्शन का है, ये परसेप्शन बन चुका है इस सरकार का कि अपने उनके खिलाफ बोलने वाली हर आवाज के खिलाफ ये इस तरह के एक्शन लेती है ये केंद्र की सरकार, ये परसेप्शन बन चुका है। इस परसेप्शन को अपील करिए, आपके हक में जो सरकार के फेवर में जो आवाज उठाते हैं उनके ऊपर कीजिए। आईटी रेड परसेप्शन के आधार पर नहीं होती सर, है मैंने सर, कोर्ट चले जाए, अगर आपको लगता है वेंडेटा है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? मुझे भी पता है सर, सुनिए ना, अगर बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, यही मैं शोएब चौधरी आपको भी, अगर लगा वेंडेटा तो चले जाए ना कोर्ट, कोर्ट कोई नहीं जाएगा क्योंकि पता है दाल में कुछ काला है, अगर इतने ही पाक साफ है तो चले जाए ना कोर्ट, कह दे थी कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, और जो बचा रहे हैं वो बता दो उन्होंने अकाउंट चेक किया है क्या, उनका अकाउंट्स क्लीन है? कोई नहीं कह सकता ना, जांच होने दीजिए ना, वो टैक्स चोर है ना वो, अगर उनके अगर अभी आरोप उन पर है तो आप ये बताइएगा 3 दिन के बाद, आपको भी लगता है बख्शी साहब, तो आप ये कहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बताए कि क्या उनसे क्या रिकवरी क्या हुई है, तो सर आपको क्यों बताए, उन्हें बताएगा ना, आपको क्यों बताएगा, आपको बताएगा इनकम टैक्स, उनको बताएगा, तो आप टैक्स चोरी का इल्जाम उनके माथे पर लगा देंगे सारी जिंदगी के लिए, और आप इल्जाम में आरोप है, आप समझते नहीं है भाषा कानून की, आरोप है, दोषी नहीं है, आरोप है, तो आरोप और इल्जाम में क्या फर्क है भाई? तो आरोप लगा तो जांच होगी ना, टैक्स चोरी का आरोप मैंने है, कह दिया तो आरोप पर्सनल वर्ड नहीं है, इल्जाम पर्सनल वर्ड है, दोनों के मायने एक ही है सर, कहां से अगर आरोप है टैक्स, चलिए ठीक है, आपको भाई अगर पकड़ा वो टैक्स चोरी नहीं कर सकते तो वो बताएं, अरुण बख्शी उसके बाद में गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा, मैं अरुण बख्शी आपका एक कमेंट ले रहा हूं, अच्छा बख्शी साहब नहीं जुड़ पाए, दोबारा से कोशिश करेंगे, गौरव भाटिया सबकी यही दिक्कत है कि आप जो है किसान समर्थकों पर रेड करवा रहे हैं, मोदी विरोधियों पर रेड करवा रहे हैं, और इसलिए इतना शोर मच रहा है, दिक्कत आप लोगों में है, सबका यह कहना है। शोएब चौधरी, किशोर तिवारी और गजेंद्र सांकला। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, इस देश में न्यायालय है, कानून है, संविधान है, एक उदाहरण कोई दे दे, तमाम जो है ये रेड कहते हैं सीबीआई ईडी जो है पॉलिटिकल वेंडेटा करती है, जिसमें कि उनकी कार्रवाई को निरस्त कोर्ट ने किया हो, और भजन लाल का केस है संविधानिक पीठ का है, जिसमें 7 ग्राउंड है अमन जी, और एक ग्राउंड ये भी है कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा से कोई कार्रवाई होगी तो वो निरस्त कर दी जाएगी न्यायालय द्वारा। Exactly, और आज वो लोग सामने आ रहे हैं जो लोग, आप देखिए मैं आपको याद कराऊं, कंगना रनौत का जब घर तोड़ा गया था तो इन लोगों ने क्या ट्वीट किया था, उखाड़ दिया, उखाड़ दिया, और न्यायालय ने खींच के थप्पड़ मारा तो इनका उखाड़ गया था। अब बीच में कोई बोल रहा है, भाई साहब जो भी बीच में बोल रहा है उनसे कहिए नॉटी अंकल, डोंट डू दैट नॉटी अंकल, आई लव योर स्माइल बट डोंट बी नॉटी हियर प्लीज, हाँ थैंक यू। दूसरी बात, नहीं नहीं आपकी बारी में, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है, मैं आपको सच बताऊं कि आपकी स्माइल के ऊपर कितने लोग जो है जान छिड़केंगे अपनी बारी में, उखाड़ दिया याद है ना, कितने नोटी थे आपके नेता, उखाड़ दिया कह रहे थे, बाद में उनका उखाड़ गया। न्यायालय मुंबई न्यायालय ने क्या कहा हाईकोर्ट ने, आपको पता है मुंबई हाईकोर्ट ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि आपके गालों की सूजन आज तक बनी हुई है। दूसरी बात, आप ये बताइए, अरे चलिए मेरा सवाल सुनिए, नाराज मत होइए नोटी अंकल,
नॉटी अंकल यू कांट गेट एंग्री विद मी डोंट। दूसरी बात, लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर, इनके ऊपर आप जांच बैठाएंगे क्योंकि वो देश के समर्थन में खड़े हैं, तो आप जांच करेंगे, ये आपका स्टैंड है। तीसरी बात, कंगना रनौत को एक दिन का समय दिया, मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दिया था, ये हाईकोर्ट के जजमेंट में है। तो इनको अमन जी सिर्फ इतना ही है कि मोदी विरोध करो, और अगर मोदी विरोध किया है तो आपके ऊपर कानून नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार करोगे, अगर टैक्स की चोरी करोगे, तो बिल्कुल आपसे पूछताछ भी होगी, और अगर तथ्य सामने आएंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी। इसमें आपको दर्द क्यों होता है? चलिए आप बोलिए तिवारी जी, आप बीच में बोलते हैं ना, ऑडियो थोड़ा ओवरलैप होता है। आप बोलिए तिवारी जी, आप बोलिए। बुलडोजर चलाना वेंडेटा नहीं था, अक्षय अमिताभ को धमकी देना वेंडेटा नहीं था, सचिन और लता जी के ट्वीट की जांच वेंडेटा नहीं था, आईटी रेड वेंडेटा है। बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि गौरव जी एक राष्ट्रीय पक्ष के प्रवक्ता है जिनकी केंद्र में सत्ता है, वो तो ऊंची राजनीति ना करें। चलो चलो चलो, आपने की थी क्या ये? आप स्वीकार कर रहे हैं आपने की थी? इसका मतलब बुलडोजर के टाइम पर, देखो देखो कोर्ट ने जो जब बुलडोजर चलाया था कंगना, जब बुलडोजर चलाया था तब आपने की थी क्या? सचिन लता के ट्वीट की जांच वेंडेटा थी क्या? जो चैट लेते तो मैं बोलू कि जो गलत इंक्रोचमेंट करते उसके भी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि तो इंक्रोचमेंट तोड़ दो। हाँ तो ठीक है ना, आपने किया वो वेंडेटा नहीं था, तो ये भी वेंडेटा नहीं है ना? जब आपने बुलडोजर चलाया आपने कहा वेंडेटा नहीं है, कानून का उल्लंघन हुआ। अब यहां आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि कर चोरी हुई है, आरोप है कर चोरी का, तो जांच होनी चाहिए ना? मतलब आप करें तो वेंडेटा नहीं है, ये करें तो वेंडेटा। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दू, ये सिलेक्टिवली अनुराग कश्यप पे क्यों हो रहा, तांत्रिक पे क्यों हो रहा? अरे जो जिस पर आरोप होगा वो जो करेगा उस पर होगा ना सर, जो करेगा वो भरेगा, वो फैंटम फिल्म्स में वो है ना, आपको विवाद पता है क्या? फैंटम फिल्म्स 2018 में बंद हुई, किस किसने बनाई, आरोप क्या है, जांच किसके, आपको कुछ पता है वैसे? इनको भी नहीं पता होंगे, महिला प्रताड़ित करने के इल्जाम लगे फैंटम फिल्म के एक व्यक्ति पे, अभी बंद हो गए। उसके गड़े मुर्दे निकालकर तुम तकलीफ दोगे, आपके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो गड़े मुर्दे निकालोगे, जैसे आप निकाल रहे थे, जैसे कंगना के मामले में आपने निकाले, लता जी सचिन जी के मामले में आपने निकाले, जैसे अक्षय अमिताभ के केस में आपने निकाले। देखो सचिन जी की ना इंक्वायरी कर रहे ना लता जी की कर रहे, हमने तो अक्षय अमिताभ को धमकी दे रहे थे, बुलडोजर चलवा रहे थे। अरे कल ही देवेंद्र जी ने बोला, मैंने ट्वीट किया था इनके भी आप भी, अब क्या बताएं, बीजेपी का आईटी सेल भी ऊंचा है और इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट का भी मिसयूज करना चालू। मैं कह रहा हूं बस तिवारी जी, आरोप है आरोप की। अच्छा बख्शी जी, अब आवाज पहुंच रही है क्या? आप शायद जुड़ गए, अरुण बख्शी आवाज पहुंच रही है बख्शी जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। बख्शी जी बस मेरा वही सवाल है, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना सर? कानून सबको एक नजर से देखता है, ये जो हमारी सरकार है इट इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट वन। नंबर टू, ये कोई बैलगाड़ी नहीं चला रही है, ये देश को चला रही है, और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इट्स नॉट ए वेरी बिग मुद्दा कि 3 लोगों के ऊपर वो रेड पड़ी है, ये तो इट इज नॉट ए वर्थ ए नेशनल न्यूज, इट इज जस्ट वन न्यूज स्मॉल न्यूज, इसको ये लोग इतना बड़ा लेके जा रहे हैं। और वैसे जो कांग्रेस है उसकी तो प्रॉब्लम है, वो जहनीत जो है वो बैंकरप्ट हो गई है। अभी देखिए ना 23 लोग G23 सर के ऊपर भगवा, मुंह मुंह में कांग्रेस, दिल में बीजेपी, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछते इनसे? इनसे पूछिए। और जो आपका फाउंटेन हेड है वो लतीफा है, वो सपोजिटली द सुप्रीमो कांग्रेस का, वो एक दिन कुछ बोलता है, उसकी बात में कोई कुछ भी कन्विक्शन नहीं है, नो कन्विक्शन एट ऑल। ये लोग सब लतीफा है, समय बर्बादी है, नेशनल टाइम का ये बुरा इस्तेमाल करते हैं, दे हैव गॉट नथिंग टू से, लिटरली नथिंग टू से, कुछ नहीं है इनके पास बोलने को सर। ये जो हुआ है
उनकी गलती होगी, इतनी बड़ी एजेंसी है, आईटी एजेंसी है, वो क्या बेवकूफ है क्या? वो उन्होंने सबूत किए होंगे, उसके बाद आगे किया होगा सर। कर्नाटका के मिनिस्टर का सेक्स टेप वायरल ना हो, उसकी न्यूज आगे ना जाए, इसलिए इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है। हाथरस में जो लड़की अपना हक मांग रही है, अपने उसके पिता का मर्डर कर दिया गया है, वहां पे जो क्राइम चल रहा है वो नेशनल न्यूज ना बन जाए, उसके लिए ये कल ये सारा सब कुछ रचा गया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर। सिर्फ एक इसलिए टैक्स चोरी किया अनुराग कश्यप, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। कोई जो भी गलत कर रहा है वही करिए। चौधरी जी, अगर टैक्स चोरी की है तो उसको अगर इल्जाम है तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, क्या हासिल हो रहा है। तो अनुराग कश्यप भी मिले हुए सरकार के साथ कि उन्होंने इसलिए टैक्स चोरी की क्योंकि हाथरस का मामला दब जाएगा, वो मिले हुए सरकार के साथ। ये आप लोगों की इन सरकार की मिलके प्लानिंग है कि भाई पूरे दिन आप लोगों ने सब सरकार ने प्लानिंग की है ताकि ये जो मुद्दे हैं सेक्स स्कैंडल ना आ जाए। कैबिनेट मिनिस्टर है बीजेपी का, कोई जिक्र नहीं किसी चैनल पर। अच्छा, तो बीजेपी के मिनिस्टर पर ऐसा आरोप लगा तो इनको छोड़ दे। अच्छा ठीक है, नहीं तो बीजेपी के मिनिस्टर पर किसी के ऊपर मॉलेस्टेशन का मतलब आप तीन तीन दिन। अच्छा ठीक है, नहीं है, आरोप गंभीर है, आरोप गंभीर है, सही बात है। नहीं आरोप गंभीर है, सुनिए ना शोएब जी आरोप गंभीर है। अब उन पर ये आरोप लगाए तो इनको छोड़ दें, ये क्या जस्टिफिकेशन है उसका, इसका क्या लिंक है? उन पर अगर आरोप लगाए तो इनको छोड़ दें, इनको टैक्स चोरी की छूट है। साहब ने कहा ये आपके लिए नेशनल मुद्दा कैसे है, टैक्स चोरी का मुद्दा मेरे लिए नहीं। राहुल गांधी मुहावर सर, राहुल गांधी और एक आपके प्रिय राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंह, पूरी सरकार वायरल होता है, आप सोचिए ना, पूरा विपक्ष राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए, वो कह रहे हैं उंगलियों पर नचाना, मुहावरे मार रहे हैं वो, किसान समर्थकों पर छापेमारी करा रही है सरकार, उंगलियों पर नचाना राहुल गांधी। अब राहुल गांधी भी मिले हुए हैं सरकार के साथ कि हाथरस का मुद्दा ना उठे, इसलिए इस पर ट्वीट कर देता हूं मैं। क्या बोल रहे हैं आप, अलग अलग मुद्दे हैं। भाई अलग मुद्दे हैं तो आप जो ज्यादा जरूरी मुद्दे है उसको उठाइए ना। क्या एक लड़की को मॉलेस्टेशन हुआ, उसके फादर को मर्डर कर दिया गया, वो मुद्दा आपके लिए बड़ा नहीं है? ये एक टैक्स रेट का मुद्दा आपके लिए नेशनल इशू है। राहुल गांधी को कह रहे हैं का सेक्स टेप वायरल होता है, आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि उस पर ट्वीट करना चाहिए था, इस पर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है आपकी बात उन तक पहुंची हो, हो सकता है आपकी बात उन तक पहुंची हो कि राहुल गांधी को ये जो मुहावरे हैं उस मुद्दे पर मारने थे, इस पर नहीं मारने थे। सर अलग अलग मुद्दे हैं शोएब जी, जी न्यूज देखा करिए, उस पर भी डिबेट हुई है, इस पर भी डिबेट हुई है। ये थोड़ी ना हाथरस में कुछ हो गया तो इनको छोड़ देंगे, इन पर आरोप लगा इनको छोड़ देंगे। ये जो बुलडोजर चलवाए जा रहे थे तब वेंडेटा नहीं थके, देखिए तस्वीरें मैंने इसलिए निकलवाई है। तिवारी जी मुस्कुराएंगे, फिर से स्क्रीन पर आएंगे। दो साल तक नोटिस दिया गया, आप क्यों बचाना चाहते हैं? फिर एक टाइमिंग पर सवाल उठा देंगे ना, फिर ये जब बुलडोजर चलाए तब वेंडेटा नहीं था, जब सचिन जी लचा जी के ट्वीट की जांच हो रही थी तब वेंडेटा नहीं था, जब अक्षय अमिताभ को धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हारी शूटिंग नहीं होने देंगे तब वेंडेटा नहीं था, ये वेंडेटा है। तिवारी जी, अमन जी, राहुल गांधी कर रहे कि देश की सरकार चुन चुन करके उन लोगों के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों की, देश के ईडी, इनकम टैक्स, इनकी आज किस तरह से ये लोग दुरुपयोग करते हुए देश की जनता को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सरकार फासिज्म का रूप अपनाए हुए है और ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है, क्योंकि अब राहुल गांधी ने भी मुहावरा मारा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी मुहावरे से जवाब दिया। एक मुहावरा मैं भी दूं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बिल्कुल दीजिए सर, अमन जी आपका मुहावरा जब कुछ नहीं होगा तो बात खत्म, आपका मुहावरा राधा नाचेगी, जब कुछ होगा ही नहीं तो क्यों शोर मचा रहे हैं? कुछ वो पाक साहब हो गए तो बच जाएंगे, कुछ गलत किया होगा तो अंदर जाएंगे, बात खत्म। बात सही है, इसीलिए शोर मचा रहे हैं, हम कह रहे हैं शोर पर इतना शोर, सरकार जांच होने दीजिए ना। नौमन का तेल सरकार चुन चुन करके लोगों के लगा रही है, उसका विरोध है कि चुन चुन करके जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने में जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके छाते, कार्रवाई से सरकार गिर जाएगी, जो लोग सरकार की सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं उनके खिलाफ छापे, किसानों की आवाज को बुलंद करते, किसानों की आवाज की सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं उनके खिलाफ छापे। मैं आपकी एक बात की दाद देता हूं, आप भी मुखरता से विरोध करते हैं ना,
तो हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे यहाँ भी कोई छापा पड़ जाए। आपने टैक्स चोरी नहीं करी, छापा नहीं पड़ा। कोई संभावना आपके यहाँ छापा पड़ा? संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। छापा पड़ा, सच्चाई बयान करने वाले लोगों के छापा पड़ा। और अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, इस तरह के छापे आगे और लोगों की लिस्टिंग बन रही है, उनके हम ही पढ़ने की तैयारी है। तो कुछ नहीं, कोई नहीं तो बात नहीं है। और आज मान चलिए कोई धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला कोई भी व्यक्ति 100% प्रूफ कोई नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी व्यापारी के यहाँ किसी के भी छापा मारोगे तो कोई न कोई आपको कमी जरूर मिलेगी। गौरव आप करवा के देख लो, कोई न कोई कमी जरूर मिलेगी, चाहे वो कितना भी प्रूफ हो, कितना भी अपने आप को ये आप बोल रहे हैं किसी ना किसी के लेकिन अगर एजेंसी चाहे गड़बड़ी कि उसको गड़बड़ी छोड़ दे, चोर को डालने चौकीदार है। वैसे कहेंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चोर नहीं कहा गड़बड़ी, तो चौकीदार चोर को पकड़े तो कहते हैं। हमने ये कहा है सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि वो तमाम लोगों को एक नजर से देखे, अगर गलत करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी छापे मारे जाए, लेकिन चुन चुन करके जिन लोगों ने सरकार को सवाल खड़ा किया है, किसानों के पक्ष की बात कही है और जिन लोगों ने सरकार के विरोध की बात कही है, उनको चुन चुन के लिस्टिंग करके छापे मारना ये गलत परंपरा है और ये देश के अंदर गलत परंपराओं की मिसाल ये केंद्र की सरकार डाल रही है। टैक्स चोरी की छूट है, जो मोदी विरोध करते हैं उनको टैक्स चोरी की छूट होती है भाई, क्योंकि वो मोदी विरोध कर रहे हैं, छापा मारेंगे तो वेंडेटा कह देंगे। मोदी विरोधियों को टैक्स चोरी की छूट है, टैक्स लूट की छूट है, ठीक है। गौरव भाटिया देखिए, कांग्रेस के नेता 50 साल के अपरिपक्व बालक में परिपक्वता ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यहां नेता आए और उनमें परिपक्वता ना हो तो अच्छा नहीं लगता। भाजपा के प्रवक्ता ने कब कहा कि बाकी लोगों पर भी रेड होगी? एक बार भी नहीं कहा। हमने क्या कहा सुनिए आप, और कान अभी कहा आपने लिस्टिंग हो रही है अभी कहा आपने थोड़ी देर पहले आपका वीडियो रिप्ले करवाया जाए, अमन जी का वीडियो रिप्ले करवाया जाए, उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन लोगों के बाकियों के नाम अभी शामिल है, और आपने उसके ऊपर अमन जी सवाल भी खड़ा किया और इनसे सवाल से मैं पहले तो कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं आता, फिर ये लोग आते हैं ऊपर चिल्लाते हैं। नहीं नहीं आधिकारिक प्रवक्ता है सर, अच्छा। जी बहुत ही सम्मानित आधिकारिक प्रवक्ता है, कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन भी हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चलिए ठीक है, आप इस बात को जान लें, आपका आप हरेक को बच्चा समझने की गलती ना करें। राजनीतिक जीवन मेरा आपके राजनीतिक जीवन से ज्यादा बड़ा है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। और जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है उसको भी आप जान सकते हैं, आपसे एक दो क्लास ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं है। आप गलत तरीके से जिस दिन चाहे 1-to-1 मेरे साथ किसी भी मुद्दे पर आप बता देंगे आपको, ये आपका अधिकार नहीं है, वो नहीं कैसे बता चलिए। आपके नेता की भी हम लोग हैसियत जानते हैं, हट हो गए दिल पे लगे, भागे रहते हैं टीवी पे, कभी इंटरव्यू थे तो जानेंगे। चुप हो जाइए, चलिए चलिए सुनिए आपको कैसे कहते हैं। आप सुनिए मैं एक करके एक बात बोलूं, शब्दों का प्रयोग कैसे करते हो आप? अरे भाई इनको प्लीज, अमन जी ये सही बात नहीं है, हल्के शब्दों का क्या करते हो? पार्टी बताएगी कि चोरी होने जा रही है, आप जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके इस तरह की मत बांट दीजिए, अपनी पार्टी को मिटवा चुके हैं। अरे बच्चा है, ये गलत है, आपत्ति नहीं है, हो गया नहीं, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। इस बात तरह की बात जिम्मेदार चैनल पर आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए मेरे सवालों कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बड़े अधिकार होती है। अब सुनिए चलिए आगे बढ़ेंगे, जिन लोगों ने आप डिबेट थोड़ी ना कर रहे हैं, इतना हर्ट हो गए आप तो, बस बस बात कर देते। चलिए गलत, मैंने बता दिया तरीके की बात को, बता दिया बता दिया। गौरव भाटिया आप बोलिए, बस सर टाइम वेस्ट हो रहा है। गौरव भाटिया देखिए 2013 में किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग हुआ ये सब जानते हैं, मैं आपको याद को तरोताजा कर रहा हूं, पूछ लीजिएगा आधिकारिक प्रवक्ता से। स्टालिन डीएमके के घर रेड हुई क्योंकि दो दिन पहले उन्होंने समर्थन वापस लिया था कांग्रेस से, इस पर उत्तर दें। दूसरी बात, हमारे तीन जो है मंत्री थे 2010 में कर्नाटका पे, उन पे आईटी रेड कराई थी कांग्रेस पार्टी ने, कराई थी, क्यों कराई थी भाई? तीन मंत्रियों पे आज तक क्या हुआ बता दें। अब मैं आता हूं जो बात चौधरी जी कह रहे थे। चौधरी जी, अगर आप समझते हैं कि कुछ मुद्दे बहुत बड़े हैं और वाकई
उन पे चर्चा होनी चाहिए। कौन सा चैनल किस मुद्दे पे चर्चा करेगा ये हम लोग नहीं तय करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए राहुल गांधी उन मुद्दों पे ट्वीट कर देते हैं, क्यों लगे हैं वो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की पैरवी करने में। हमने और आपने बार बार सेक्स स्कैंडल वाले इशू को उठाया, तो मैं बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, उस मंत्री ने इस्तीफा दिया है और जो कार्रवाई होनी है वो होगी, जो गलत है वो गलत है, उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन डकैती डाले गांधी परिवार उसको आके बचाए यहां पे लोग, वो कितना उचित है आप मुझे बताइए। अगर आपने आयकर की चोरी करी है तो फिर कार्रवाई होगी। ये कौन सा तर्क है कि मोदी जी की अगर हमने बुराई कर दी तो हम आयकर चोरी भी करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे क्योंकि आलोचना करी थी इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा। ये तर्क बिल्कुल निराधार है। इस देश में न्यायालय है, अगर किसी को भी लगता है गलत कार्रवाई हो रही है तो वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिंजरे का तोता था वो बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, अभी उनको दर्द हो रहा है। ये जो भी लोग बचा रहे हैं, चाहे शोएब जी हैं या तिवारी जी हैं, सांगला जी है, शोएब चौधरी मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या गारंटर बनेंगे अनुराग कश्यप के या तापसी पन्नू के कि मैं 100% गारंटी लेता हूं इन्होंने टैक्स चोरी नहीं की, बनेंगे आप गारंटर? लाइव पूछ रहा हूं आपसे। तो आपने आपने कंगना रनौत की गारंटी ली है, आप क्यों बचा रहे हैं कंगना रनौत को जो लड़की खुद ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन फिर क्यों बचा रहे हैं आप कंगना रनौत को? एग्जांपल क्यों सेटअप कर रहे हैं आप लोगों ने? बुलडोजर वेंडेटा नहीं था तो ये वेंडेटा कैसे? मैंने बस ये पूछा, मैंने कब बोला वो अवैध नहीं था? इन्फॉर्मेशन दैट दो साल तक मैं कह रहा हूँ, शोएब जी का कंगना रनौत, शोएब जी आप गारंटी लेंगे अनुराग कश्यप ने टैक्स चोरी नहीं करी? देखिए बस आप गारंटी ले लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लीजिए गारंटी कि मैं शोएब चौधरी गारंटी लेता हूँ कि अनुराग कश्यप ने टैक्स चोरी नहीं की। जो रिकवरी हो वो तो करने दीजिए ना, आप करने दीजिए रिकवरी, आप करेंगे ये क्या तरीका है? लोगों को पता चले कि क्या टैक्स की चोरी नहीं रखी जाती, वो न्यायालय में रखी जाती है, ये लोग अपना जो है प्रोसीजर कोड बना देते हैं, न्यायालय में रखी जाएगी। रुक जाइए गौरव, गौरव गौरव एक बेकार की बातें कर रहे हैं आप, एक एक करके ना तीनों से जानकारी बचा रहे हैं, कैसे चल रहा है, किसी का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। शोएब जी, अरे आपको नहीं पता मत बोलिए ना, गलत से क्यों बोल रहे हैं? चौधरी गारंटी लेंगे कि टैक्स चोरी नहीं करी? मैं शोएब चौधरी गारंटी लेता हूं अनुराग कश्यप ने टैक्स चोरी नहीं की, लेंगे गारंटी? भाई अगर टैक्स चोरी, मैंने एक दूसरे चैनल पे भी कहा, एक कांग्रेस के रूल में एकता कपूर के ऊपर टैक्स छोड़िए ना, आप उधर नहीं जाइए, आप कह रहे हैं वेंडेटा है और बाद में पेपर, आप कह रहे हैं वेंडेटा है, आप लेंगे गारंटी? पूरी बात नहीं करने देते आप, मेरी बात वेंडेटा इसलिए है क्योंकि सरकार के हक में बोलने वाले लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं एक उदाहरण इन सब विरोध में बोलने पर चोरी हुई है तो पब्लिक को पता चले, इस देश की जनता को ये पता चले कि हाँ भाई इतना टैक्स रिकवर किया, पता चलने के लिए जांच जरूरी है, छापेमारी जरूरी है, वही जांच हो रही है, वही छापेमारी हो रही है, जिनको बचा रहे हैं हो सकता है वही कह दे कि हाँ भाई हमने करी थी टैक्स चोरी, गलती हो गई। मैं सही बता रहा हूं, सांखला जी आपको, तिवारी जी आपको, शोएब चौधरी आपको, हो सकता है कल को यही लोग आकर कह दे कि हाँ टैक्स चोरी हमसे हो गई या ये मामला था ये हो गई, हो सकता है कल को वो एक्सेप्ट कर ले, फिर काम मुंह दिखाएंगे आप लोग कि जिसको बचा रहे थे कल को वही लोग आकर कह देंगे, नंबर एक। हो सकता है नंबर दो जांच में निकल जाए टैक्स चोरी की बात, कहां फिर मुंह छुपाएंगे आप लोग? नहीं बचा रहा है, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि जो टैक्स रिकवर हो वो पता चले कि इतना टैक्स रिकवर हुआ है। सर आपको थोड़ी ना कोर्ट में बताएंगे ना वो, ऐसी बातें करते हैं भाई, मतलब क्या आप, बात आप क्या अनुराग कश्यप के सीए हैं क्या? 10 साल पहले लोगों को 10 साल से रिकवर कर पाए हैं, पिछली सरकार में जो रिकवरी हुई वो कोर्ट में आज तक पता किसी को नहीं चल रहा है। तिवारी जी आप लेंगे गारंटी? मान लेंगे ये एक जेन्युइन टैक्स चोरी हो रही है, आप लेंगे गारंटी? भरोसे के साथ कह सकते हैं उन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं की? मैं किशोर तिवारी शिवसेना का प्रवक्ता गारंटी लेता हूं उन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं की, बोल दीजिए एक बार। मैं एक बात बोलूं, मेरी बात यह है कि मेरे प्रवक्ता जो प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत उन पर भी 55 लाख के लिए ईडी की नोटिस थी। ये मुझे बताना है कि ये सिलेक्टिवली जो इनके खिलाफ बोलता है उनको हरास कर रहे हैं। मैं टैक्स चोरों के साथ नहीं, मैंने बोला ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कुछ नहीं होगा तो बात खत्म हो जाएगी। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि जांच ही नहीं होगी। तिवारी जी जांच तो होनी, जी आप ले लीजिए गारंटी,
इन लोगों ने नहीं की टैक्स चोरी, हो सकता है नहीं की, हो सकता है की हो, जांच के बाद पता लगेगा। आप ले लेंगे गारंटी? सीधा कह देंगे वेंडेटा वेंडेटा बदले की भावना, आप ले लीजिए गारंटी इन्होंने नहीं की टैक्स चोरी। पूरे भारत में क्या ही टैक्स चोर है जो मोदी के तरफ से बोलेगा वो भारत रत्न का हकदार है, और जो खिलाफ में बोलेगा किसान आंदोलन। एक मिनट आ सकता हूँ बख्शी जी, पहले बोलेंगे उसके बाद गौरव भाटिया, अरुण बख्शी पहले बोलेंगे। अरुण बख्शी मैं भी वही कह रहा हूँ, हो सकता है टैक्स चोरी ना की हो सकता है टैक्स चोरी की हो, आईटी डिपार्टमेंट को कुछ मेरिट दिखा, आयकर विभाग ने छापेमारी की 22 जगह की, पूछताछ की, हो सकता है कल को कुछ निकल आए तो ये लोग कहां मुंह छुपाएंगे, जिसको बचा रहे थे उसने टैक्स चोरी की हो सकता है। जांच से पहले निष्कर्ष ना ये लोग देख सकते हैं ना हम देख सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट देगा। बख्शी जी सर, ये जो जहनीत है ना जो बोल रही है, जो शोर मचा रही है, उसके लिए एक पंजाबी का मुहावरा है कि सांप की कोड़ खिली ते शतीरा नु जफे, ये द मॉर्सल इज बिगर देन द माउथ। ये जितनी भी जहनीत हो रही है वो सरकार अपना काम कर रही है, आईटी अपना काम कर रही है, दैट्स इट। उसका रिजल्ट आएगा, उनको न्यायालय के सामने अपनी रिपोर्ट देनी है, वॉट एवर इट इज दे हैव टू गिव। कोई सोच समझ के उन्होंने किया होगा, अगर उन्होंने किया तो उसका रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद फिर हम डिबेट करेंगे, उसके बाद ये फिर बोलेंगे। ये शोर वही लोग मचा रहे हैं जिनको लग रहा है अगला नंबर उनका है, है ना सांखला जी? अगला नंबर उनका है, वही शोर मचा रहे हैं। हाँ अमन जी, वही शोर मचा रहे जिनको लग रहा है उनका वो शोर नहीं मचा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ये भारत की सरकार, क्या भारत की सरकार इस बात के सर्टिफिकेट जारी करेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है या उससे समर्थित लोग हैं या उनके पक्ष में बोलते हैं, उन सब के खाते क्लियर है? विरोधियों को टैक्स चोरी की छूट है क्या? मुझे वाइंड अप करना है, गौरव भाटिया खड़ी सेकंड आपको दे रहा हूं, वाइंड अप। उन्होंने कोई इनकम टैक्स, सर मोदी विरोधियों को टैक्स चोरी की छूट थोड़ी ना है, क्या उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे? मोदी विरोध मोदी समर्थक कहां से आ गया? टैक्स का मामला है भैया, टैक्स चोरी का मामला है भैया, उनके टैक्स चोरी, मोदी विरोधियों को टैक्स चोरी की छूट है क्या? गौरव भाटिया मुझे वाइंड अप करना है 30 सेकंड में, सबका नंबर आएगा नहीं नहीं है, ये वही शोर मचा रहे जिनको लग रहा है अगला नंबर उनका है। क्या मोदी जी के पक्ष के लोग हैं? देखिए आप शांत कराइए इनको, सबसे पहले ये तरीका ठीक नहीं है, अमन नोट कर लीजिएगा, अगली तो आंदोलन के विरोध में ये इनको समय मिलता है, ये बोल नहीं पाते, आपकी बात तीन चार लाते रहते हो। गौरव भाटिया आप बोलेंगे, मुझे 30 सेकंड आपको देना, सबका धन्यवाद। गौरव भाटिया सबसे पहले देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, डीके शिव कुमार 50 दिन जेल में रहे, आईटी डिपार्टमेंट ने रेड करी थी, क्या वो मुकदमा खत्म हो गया? नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुडा 2 केसेस में बेल पे हैं, क्या मुकदमा खत्म हो गया? नहीं हो गया। राहुल गांधी सोनिया गांधी खुद बेल पे हैं, मुकदमा नहीं खत्म हुआ। और बार बार कहा जा रहा है तथ्य सामने रखो, अरे तथ्य सामने कोर्ट में रखे जाते, क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है, क्या मिला, ये सब कोर्ट में रखा जाता है, ये सार्वजनिक नहीं किया जाता। और जब सार्वजनिक हो जाता है मीडिया के थ्रू तो ये लोग चिल्लाते हैं कि लीक कैसे हो गया, कैसे लीक हो गया। तो इन लोगों को कुछ नहीं पता है, ये कंफ्यूज्ड पिद्दी हैं, इनका काम है केवल चिल्लाना और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहना, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। इसी पर वाइंड अप कर रहा हूं, जो पकड़ा गया वो चोर, चोरी सारी कर, मतलब वो कह रहे हैं जब किसी पर भी कुछ कार्रवाई होगी कुछ ना कुछ गलत जरूर निकलेगा, वो कह रहे हैं पकड़े तब जाते हैं जब वो कुछ गलत कह देते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है, वही सांखला जी का भी डर है ना हर की, तो मगर जो गलत कर रहा है वो फिर जो है देश को ज्ञान भी ना दे। अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ अकाउंट्स में कुछ खेल हो रहा है, कुछ टैक्स चोरी हो रही है, तो फिर ज्ञान भी ना दे, क्योंकि नंबर तो किसी का भी आ सकता है। छोटा सा ब्रेक, कार्टून के देख लेते हैं आप। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।